उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह कुशवाहा है। सुरेश जी, जो बस में आप बैठ के जा रहे हो, क्या लग रहा है इसकी सुविधाओं में कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव नहीं हुआ है सर, हम लोग किसान हैं, सोनभद्र के रहने वाले। किसानों का इस सरकार में बहुत शोषण हुआ है। किसान को खाद, डीजल, दवा, सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। राम मंदिर बनने से हम लोगों को खुशी नहीं होगी। हमारे क्षेत्र में, जिले में बहुत बड़ा कारखाना बने, उससे हम लोगों का विकास होगा श्रीमान जी, क्योंकि जब विकास होगा तभी। आज बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, रोड पर, सड़क पर, ट्रक बसें सभी खड़ी हैं। मालिकों का पूंजी टूट रहा है, किसानों का पूंजी टूट रहा है, बनिया वर्ग सभी समाज के लोग परेशान हैं सर। मंदिर बनने से विकास नहीं होगा सर। मंदिर की जगह पर फैक्ट्रियां बैठी जाएं, जिससे लोगों को खाने पीने की सुविधा बढ़ेगी। जब विकास होगा, लेबर वर्ग भी परेशान है, मनरेगा का काम करके लेबर छः छः महीने जो रहा उसको पैसा नहीं मिला है। स्थितियां ये हैं सर। हम लोग किसान हैं, हम लोगों की बहुत दुर्दशा है। खाद महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, लेकिन चावल गेहूँ नहीं महंगा हुआ सर। प्रदेश सरकार के द्वारा बसों में किस तरीके की सुविधाएं, आज हम बस में हैं मिर्ज़ापुर में और हम बात करेंगे यहाँ जो पैसेंजर हैं कि किस तरीके से बसों की सुविधाएं बढ़ाई गई और क्या उनको देखने में मिल रहा है। क्या नाम है आपका? साधना। ये बताइए, जो बस पे आप बैठ के जा रही हैं, क्या लगता है किस तरीके की सुविधाएं बढ़ी हैं? अभी सीट मिल गया है तो अच्छा ही है, नहीं मिलेगा तो मतलब बसों की सुविधाएं आपको लग रही पहले से बेहतर हुई हैं? हाँ हाँ, पहले से। इसके लिए इस रूट पे तो हमेशा से अच्छी रही हैं सुविधाएं, पर अब पहले से लग रहा है भीड़ कम है इसमें और सीट उठ मतलब उतना ही यात्री लिया गया अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। महिला होने के नाते कैसा लगता है आपको, सुरक्षित लगता है बस में सफर करना? हाँ हाँ, ये सुरक्षित लगता है बस में सफर करना। अच्छा, राम लला को लेके आपका क्या कहना है? अयोध्या कितनी बदली और भगवान राम वहाँ पे स्थापित हो गए, उनको लेके क्या कहना है? क्या कहना, अच्छा लगा और क्या कहना है। मतलब ये लगा कि क्या कहते तो वो जरूरी था और हो गया, वो चीज़ें हो गई। जहाँ हमारे वो थे उसमें एक तंबू में रहते थे, वहाँ उनका मंदिर बन गया था, अच्छा लगा। अच्छा, अगर हम आने वाली बजट की बात करें, जो बजट आना है, तो एक महिला होने के नाते एक आप क्या सोचती हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और नहीं? किसमें जो बजट आने वाला फरवरी में बजट है, अच्छा, पेश किया जाएगा, तो क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव है या कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए? मुझे तो जो होगा वो तो देखा जाएगा, मुझे देखा जाएगा, जब जो होगा तो देखा जाएगा। वैसे तो आपका क्या कहना है बजट को लेकर अगर हम बात करें? वही तो कह रहे हैं, जो अभी आएगा तो उसको देखा जाएगा। तो आप जॉब करती हैं? नहीं, जॉब नहीं करते, स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टडी करते। तो एज ए स्टूडेंट क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए, जो होना चाहिए वो तो हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए आप क्या चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, अगर पढ़ाई को लेकर बात करें, हम एजुकेशन को लेकर बात करें, तो किस तरीके की सुविधाओं की जरूरत अभी आप और महसूस कर रहे हैं आने वाले भविष्य में, क्या चाहिए आपको? अब वो तो आगे चल के पता चलेगा ना, अभी क्यों क्या बताया जाए। हाँ, मिल नहीं रहा है। और फिर उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, बस ऐसे ही आदमी करता जा रहा है कोर्स की, ये करो वो करो ऐसे करो, फिर उतना सक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लगे हैं, या जो भी हो हम नहीं बता सकते हैं। पर आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम भगवान राम की प्रतिष्ठा को लेकर कहना पूछना चाहें आप? क्या भगवान राम हमारे स्थापित हो गए, उससे अच्छा क्या है, जो बनना चाहिए वो बन गया। अच्छा, अयोध्या कितनी बदली, क्या लगता है कि जो बदलाव हुआ किस तरीके का हुआ, कैसा देखती हैं आप उसको, पुराने अयोध्या नए अयोध्या? पुराने नए अयोध्या में तो बहुत सब बहुत कुछ बदल गया है, देखने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत कुछ हो गया है जो नया हुआ उसके चलते। हाँ, का विकास भी हुआ, वो बहुत बैकवर्ड था, वो हम गए थे तो उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, तो पर हमारे अभी तो गए नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्थापित हुआ है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा ही वो प्रोग्रेस करेगा, यही चीज़ें लग रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे को लेके, अगर हम आप पैसेंजर हैं बस में आप जा रहे हैं, क्या आप कहना है आपका, किस तरीके की सुविधाएं बढ़ी हैं और क्या चीज़ें आपको देखने की? योगी राज में सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, योगी राज में कोई सुविधा की कमी नहीं है। पहले तो भय मुक्त प्रदेश हो चुका है,
और डर तो एकदम खत्म हो चुकी है लोगों को। अच्छा, अगर अगर हम रामलला की बात करें तो कैसा लग रहा है आपको रामलला की? अरे मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहूँगा कि हमारे धर्म के जो है वो हमारे जो है पूर्वज उनको मानते चले आए, तो आज हम क्यों नहीं मानेंगे उनको। कितनी अयोध्या बदली, नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या में कितना अंतर लग रहा है? बहुत अंतर, जमीन और आसमान का अंतर है। आज जमीन और आसमान का अंतर है वहाँ। वहाँ स्टेशन अयोध्या लगता है, मंदिर को तो छोड़ दीजिए। आप अयोध्या अगर गए हों तो आप जाके देखिए पहले, हम तो अयोध्या आना जाना लगा रहता है। अच्छा, जो नया बजट आने वाला है उसमें किस तरीके की उम्मीद करते हैं? आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए, किस वर्ग को आप चाहते हैं कि बदलाव? तो हर चीज़ को होना चाहिए भाई, महंगाई तो बढ़ी है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं? महंगाई के हिसाब से आदमी की आर्थिक आय बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। और अच्छा, आप महिला हैं तो आपको क्या लगता है कि बजट को, किचन को लेकर किस तरीके का? हमने बताया था उस समय, आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हम सब आगे पूछ रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा बसों में किस तरीके की सुविधाएं? आज हम बस में हैं मिर्ज़ापुर में, और हम बात करेंगे यहाँ जो पैसेंजर हैं कि किस तरीके से बसों की सुविधाएं बढ़ाई गई और क्या उनको देखने में मिल रहा है। क्या नाम है आपका? साधना। ये बताइए, जो बस पे आप बैठ के जा रही हैं, क्या लगता है किस तरीके की सुविधाएं बढ़ी हैं? अभी सीट मिल गया है तो अच्छा ही है, नहीं मिलेगा तो क्या मतलब बसों की सुविधाएं आपको लग रही पहले से बेहतर हुई हैं? हाँ हाँ, पहले से इसके लिए इस रूट पे तो हमेशा से अच्छी रही हैं सुविधाएं, पर अब पहले से लग रहा है भीड़ कम है इसमें और सीट उठ मतलब उतना ही यात्री लिया गया अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। महिला होने के नाते कैसा लगता है आपको, सुरक्षित लगता है बस में सफर करना? हाँ हाँ, ये सुरक्षित लगता है बस में सफर करना। अच्छा, राम लला को लेके आपका क्या कहना है? अयोध्या कितनी बदली और भगवान राम वहाँ पे स्थापित हो गए, उनको लेके क्या कहना है? क्या कहना, अच्छा लगा और क्या कहना है, मतलब ये लगा कि क्या कहते वो जरूरी था और हो गया, वो चीज़ें हो गई। जहाँ हमारे वो थे उसमें एक तंबू में रहते थे, वहाँ उनका मंदिर बन गया था, अच्छा लगा। अच्छा, अगर हम आने वाली बजट की बात करें, जो बजट आना है, तो एक महिला होने के नाते एक आप क्या सोचती हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और नहीं? किसमें जो बजट आने वाला है, फरवरी में बजट है, अच्छा पेश किया जाएगा, तो क्या आपकी तरफ से क्या सुझाव है या कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए? मुझे तो जो होगा वो तो देखा जाएगा, मुझे देखा जाएगा, जब जो होगा तो देखा जाएगा। वैसे तो आपका क्या कहना है बजट को लेके, अगर हम बात करें? वही जो कह रहे हैं, जो अभी आएगा तो उसको देखा जाएगा। तो आप जॉब करती हैं? नहीं, जॉब नहीं करते, स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टडी करते। तो एज ए स्टूडेंट क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए, जो होना चाहिए वो तो हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए अब क्या चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, अगर पढ़ाई को लेकर बात करें, एजुकेशन को लेकर बात करें, तो किस तरीके की सुविधाओं की जरूरत अभी आप और महसूस कर रही हैं आने वाले भविष्य में, क्या चाहिए आपको? अब वो तो आगे चल के पता चलेगा ना, अभी क्यों क्या बताया जाए। हाँ, मिल नहीं रहा है। और फिर उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, बस ऐसे ही आदमी करता जा रहा है कोर्स की, ये करो वो करो ऐसे करो, फिर उतना सक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लगे हैं, या जो भी हो हम नहीं बता सकते हैं। पर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहना पूछना चाहें आपसे, क्या भगवान राम हमारे स्थापित हो गए, उससे अच्छा क्या है, जो बनना चाहिए वो बन गया। अच्छा, अयोध्या कितनी बदली, क्या लगता है कि जो बदलाव हुआ किस तरीके का हुआ, कैसा देखती हैं आप उसको, पुराने अयोध्या और नए अयोध्या? पुराने नए अयोध्या में तो बहुत सब बहुत कुछ बदल गया है, देखने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत कुछ हो गया है जो नया हुआ उसके चलते अयोध्या का विकास हुआ था, वो बहुत बैकवर्ड था, वो हमने गया हम गए थे तो उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था, तो पर हमारे अभी तो गए नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्थापित हुआ है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा ही वो प्रोग्रेस करेगा, यही चीज़ लग रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें, हमारे साथ बस में बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? राजीव नंदवीरी।
राजीव जी ये बताइए, जो बसें आप चल रही हैं, पहले बसों में सुविधा और आज के बसों में सुविधा में क्या कहना चाहेंगे आप? बस तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है रेगुलर, और बस भी काफी नई भी आई हुई है, तो बस अब बढ़िया चल रहा है। आप भगवान के प्रतिष्ठा के बाद राम धुन बज रहा है, ये कैसा लग रहा है आपका? इसका क्या अच्छा है? बढ़िया है, बड़ा अच्छा काम हुआ अयोध्या में, उससे टूरिज्म के लिए भी अच्छा हुआ, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हुआ अयोध्या का। भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पिताजी आज मेरे गए हुए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, तो अभी हम लोग भी जाएंगे और वहाँ पूरा व्यवस्था पिताजी देख के आएंगे, तो देखते हैं अयोध्या का बदलाव को लेकर क्या कहेंगे आप? तो जाएंगे वहाँ पर तो देखेंगे कि ना, देखने में तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और मंदिर भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वहाँ जाएंगे तो अच्छे से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट पता चलेगा। अच्छा, जो बजट आने वाला है, अगर हम बजट को लेकर कहें तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या? पहले तो करेंट में रेलवे LP का जो वैकेंसी आया है उसके लिए बढ़ाएँ, वो 16-17 पोस्ट खाली है तो उसको बढ़ाकर करें, 5600 वैकेंसी निकाले हुए हैं। बिहार पटना इलाहाबाद से भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो सरकार सुन भी नहीं रही है, तो खाली नोटिफिकेशन निकाले मगर भर्ती बढ़ा नहीं रहे, भर्ती बढ़ाएं उसको रेलवे का, लोको पायलट का। क्या नाम है आपका? अहमद नाम है मेरा। अहमद जी, जो बस में आप बैठ के जा रहे हैं, पहले और आज की सुविधाओं में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब बस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ बसेज ज़्यादा हो गए हैं, तो ऑन टाइम जो है पहुँचने की फैसिलिटी हो जाएगी, लोगों को समय कम लगेगा, जो वेट करना इंतज़ार करना पड़ा था वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज राम धुन बज रहा है बसों में, कोई दिक्कत नहीं है, राम सबके आराध्य हैं, हिंदुस्तान के आराध्य हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। राम का जो है पहले से ही भजन होना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहें? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुस्तान की आस्था है और आस्था के साथ जो है बहुत अच्छा हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आज की अयोध्या पहले की अयोध्या में क्या अंतर है? आज की अयोध्या जो है अब वो दार्शनिक स्थल हो जाएगा, पौराणिक स्थल पहले से ही था, अब वो दार्शनिक हो जाएगा, हिंदुस्तान की आम जनता जो है दर्शन को जाएगी तो वहाँ पे रोजी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के रोजगार सृजन हो जाएंगे, उसमें अति सुंदर रहेगा। अगर हम आने वाली बजट को लेकर बात करें आप, तो क्या कहना चाहेंगे बजट में किस तरीके की चीज़ें नई होनी चाहिए? देखो, बजट में क्या है, राम मंदिर और ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी है, ये सब तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बजट में जो है रोजगार का सृजन सरकार को करना चाहिए। कैसे वो कर सकते हैं वो उनका लुकआउट है, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों का जीवन यापन स्तर अच्छा हो, कैसे उनको बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेके, अगर हम बात करें तो? महंगाई के लेके अब आम जनता को जो राय हो, महंगाई को लेकर रुकना चाहिए कहीं ना कहीं, तो कोई स्टॉपेज होना चाहिए, महंगाई का एक दायरा होना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में कितना बढ़ रहा है, उसका कोई कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो सरकार का इसमें उनको देखना चाहिए। अगर आपको अगर बजट में कुछ आपके नज़रिए से क्या विशेष रूप से चाहिए? विशेष रूप में बजट में जो मेन पर्पज है वो शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, रोजगार पे खर्च होना चाहिए, और गरीबों के लिए कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम सरकार कर सकती है वो देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर में जो बसें चल रही हैं दूसरे ज़िलों के लिए, उनके यात्रियों का कहना है कि जो बसों की सुविधाएं हैं पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, पहले पुरानी बसें थी आज नई बसें हैं, और साथ ही साथ बसों में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले से एक रामधुन बजने लगा जिसको सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, और सारे रूटों पे जो बसें हैं वो अच्छी बसें मिल रही हैं, अच्छा सुविधा मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि किसी तरीके से पहले जो एक भय होता था मन में, आज हम लोग कहीं भी स्वेच्छा से जा सकते हैं। रामलला की प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा की बात को लेकर सारा जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं, उनका कहना है कि ये देश की आस्था था और आज जो एक पौराणिक शहर था, ऐतिहासिक शहर था, आज वो तीर्थाटन के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। पहले से अयोध्या काफ़ी बदल गई है, लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। और जहाँ तक बजट की बात है, बजट को लेकर लोगों का कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो सबका, जिसमें सबका ध्यान रखा जाए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे नौकरी हो। नौकरी की जहाँ तक बात है, नौजवानों का कहना है कि नौकरी की जो रहना चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सरकारी वैकेंसियाँ बहुत सी खाली हैं, सरकार को चाहिए कि उन वैकेंसियों को क्लियर करे। जैसे कि रेलवे में बहुत से पद खाली हैं, तो रेलवे में नौकरी उस तरीके से निकाला जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो लोगों की सोच है प्राण प्रतिष्ठा से लेके और सरकारी योजनाओं तक, लोग खुश हैं, मगर लोगों का कहना है कि इसमें और भी अभी आगे तब्दीली की ज़रूरत है, और अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, और सरकार सोचे और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट।